गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। राजकीय रेलवे पुलिस के आईजी सत्येंद्र कुमार सिंह ने शनिवार को गोरखपुर रेलवे स्टेशन स्थित जीआरपी थाने का किया निरीक्षण। व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश, कहा बेहतरीन कार्य करने वाले जवानों को किया जाएगा पुरस्कृत। ग्राम पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिले की 1352 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 25 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद हुआ समाप्त। सभी डोंगल को किया गया निष्क्रिय। एडीओ पंचायत होंगे प्रशासक, नहीं होंगे विकास के कोई नए प्रस्ताव पारित। छात्रावास खाली कराए जाने की नोटिस पर नाराज गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रशासनिक भवन और कुलपति आवास के समक्ष दिया धरना, किया प्रदर्शन। छात्रावास खाली कराए जाने के फैसले को रद्द करने की मांग। महानगर के कोतवाली थाना पर शनिवार को मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह और एसपी सिटी सोनम कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुआ थाना दिवस। फरियादियों की सुनी गई समस्या, मौके पर किया गया निस्तारण। गोरखपुर में शनिवार को मिले केवल 7 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 20,853। अब तक 349 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। मात्र 279 रह गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। जिला अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन ARV हुई समाप्त। अस्पताल प्रबंधन ने इसकी चस्पा की नोटिस। बिना इंजेक्शन लगवाए लौटे मरीज। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने कहा जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी वैक्सीन। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी अधिकारी संघर्ष मोर्चा ने कचहरी स्थित बस स्टेशन पर किया धरना प्रदर्शन। मांगों को अविलंब पूरा करने की मांग। बंपर पैदावार से महेवा नवीन गल्ला मंडी में आलू प्याज के दामों में देखी गई भारी गिरावट। आलू 16 रुपए तथा प्याज की बिक्री हो रही 28 रुपए किलो। व्यापारियों ने कहा आने वाले दिनों में दाम घटने के हैं आसार। और सर्ववैश्य समाज एकता समिति के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर वैश्य ने शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब में किया प्रेस वार्ता। प्रांतीय और गोरखपुर जिला इकाई का गठन और अध्यक्ष की घोषणा।